वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का बयान सामने आया है। हारे हुए मंत्रियों के इस्तीफा नहीं देने को लेकर प्रभात झा ने कहा है कि चुनाव हारने के बाद नहीं रहता कोई मंत्री, संवैधानिक स्थिति को देखते हुए देना चाहिए इस्तीफा, कैबिनेट की मीटिंग होना तय, खुद ब खुद हारे हुए मंत्री हट जाएंगे। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। 2023 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा प्रभात झा ने कहा है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का बयान सामने आया है। ये आप मान के चलिए संवैधानिक स्थितियां रहती हैं, ये तो जब मैं मंत्री रहते हुए चुनाव हार जाऊंगा तो मंत्री थोड़ी रहूंगा। ये जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी और ये जो कैबिनेट है उसके बाद विस्तार जब होगा तब वो अपने आप करेंगे। ये आप मान के चलिए संवैधानिक स्थितियां रहती हैं, ये तो जब मैं मंत्री रहते हुए चुनाव हार जाऊंगा तो मंत्री थोड़ी रहूंगा। ये जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी और ये जो कैबिनेट है उसके बाद विस्तार जब होगा तब वो अपने आप में हट जाएंगे। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा, जिनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हारे हुए मंत्रियों के इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि चुनाव हारने के बाद कोई मंत्री नहीं रहता है, संवैधानिक स्थिति को देखते हुए इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही कैबिनेट की मीटिंग होने तक खुद ब खुद हारे हुए मंत्री हट जाएंगे, ये बयान उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी।